कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बात नजर झुका के करे तो फिर नजर झुका के करे। हेलो गाइज, वेलकम टू टेक्निकल कामदेव। और मैं दोस्तों न्यू टेम्पलेट लेके आ चुका हूँ। दोस्तों इस तरह का स्टेटस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग टॉपिक में चल रहा है। दोस्तों आप भी इस तरह का स्टेटस बहुत आसानी से बना पाओगे। तो मेरे वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इस तरह स्टेटस वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको VN ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास VN ऐप नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। VN ऐप को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, थोड़ा ऐड आएगा। तो सिंपल दोस्तों ऐड को पूरा होने देना है। यहाँ इसको यहाँ से दोस्तों नो थैंक्स कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको नीचे में प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो और फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल दोस्तों आपको फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको कोना में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों आपको साइज़ को दोस्तों 2 सेकेंड का उतना कर लेना है और यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद दोस्तों अपने गैलरी से दोस्तों आपको कुछ फ़ोटो को ऐड कर लेना है जिसका आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं। मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने 19 फ़ोटो को ऐड कर लिया है। आप भी अपने गैलरी से दोस्तों 19 फ़ोटो को ऐड कर लेना है। इसके बाद एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो सिंपल दोस्तों आपको ऊपर में ओरिजिनल का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको साइज सेलेक्ट कर लेना है 9.16 का। और आपको दोस्तों नीचे चले आना है। नीचे में आपको वीडियो के लास्ट में आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, तो सिंपल इसको यहाँ से इनको डिलीट कर देना है। यहाँ के वीडियो के फर्स्ट तक चले आना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर में म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर म्यूजिक ऐड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपको म्यूजिक चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे में आपको म्यूजिक बीट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बीट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ऐड कर लेना है बीट अपने हिसाब से, जहाँ से जैसे जैसे मैंने ऐड किया है इसको भी आप अपने तरफ से ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। मैं आपको सारे बीट्स को दिखा देता हूँ कितना सेकेंड पर है, आप उसी सेकेंड पर दोस्तों अपना बीट को ऐड करना है। जैसे आप रेड कलर को पुश कीजिएगा आपका बीट ऐड हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको स्लो करके दिखा देता हूँ कि जहाँ यहाँ मेरा बीट्स है, ठीक है। कुछ इस तरह से दोस्तों आपको म्यूजिक बीट्स ऐड कर लेना है, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपको साइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोबारा साइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों आप में इसमें इफेक्ट्स डालना है, तो सिंपल दोस्तों आपको इस फोटो पे क्लिक करना है, इस वाले इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्सपेंड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है ये इफेक्ट्स दोस्तों। ये इफेक्ट्स दोस्तों आपको लगभग तक जहाँ से दोस्तों आपका छोटा बीट है दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ से दोस्तों आपको दूसरा एफएक्स को यूज करना है। तो सिंपल आपको इस फोटो पे क्लिक करना है, एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको स्पिन एरो वाले इफेक्ट को ऐड कर देना है। स्पिन एरो वाले इफेक्ट को दोस्तों आपको इतना दूर आपको ऐड कर लेना है, इस सारे फोटो में आपको स्पिन एरो इफेक्ट को ऐड कर लेना है, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो के फर्स्ट तरफ चले आना है दोस्तों। इसके बाद आपको दोस्तों गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको एक शेडो ऐड कर लेना है, ब्लू शेडो को दोस्तों, शेडो को थोड़ा जूम कर लेना है कुछ इस तरह से दोस्तों, और कुछ नीचे की ओर ले आना है। इसके बाद दोस्तों इसका ड्यूरेशन वीडियो के लास्ट तरफ कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो को फास्ट तरफ चले आना है कुछ इस तरह से। दोबारा दोस्तों आपको गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको लाइट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है। इसको भी दोस्तों आपको नीचे फिल का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड करके वेल्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको स्कैन कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने गैलरी पर चले जाना है। और यहाँ पर दोस्तों बॉर्डर PNG को ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, इसको भी आपको फिल स्क्रीन में कर देना है और इसको भी स्लाइड करके वीडियो के लास्ट तरफ चले जाना है, ठीक ना, कुछ इस तरह से, ठीक। इसके बाद दोस्तों मैं म्यूजिक को म्यूट करके आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो मेरा कॉपीराइट क्लेम आ सकता है दोस्तों।
तो मैं थोड़ा आपका यहाँ से म्यूजिक मिट कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मेरा वीडियो कैसे बना है। आप भी इस तरह वीडियो दोस्तों बहुत ही आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो मेरे वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए फॉलो करते रहिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल दोस्तों आपको ऊपर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों साइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से जैसे ही आप टाइटल पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा वीडियो सेविंग होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।